हेलो दोस्तों, तो इन सब पैसा ना चला तो इन सब ठीक है। बता हम भी काफ़ी ठीक ही हो। अभी हम अले ही हो चौधरी तरी बारी देखे कि हमार बारी में प्याज जो लगल हो जो कि हम खुरपी करिए से बारी ठीक है कि ना है, नमी है वो बारी में कि ना है। ओके हम देखे आए हों। देखा ये हमारे प्याज लागे प्याज लगा है। देखा प्याज में खुरपी कर है तो यहाँ का नहीं हमार प्याज के बारी जी है से यहाँ सिंचाई खोजत है, पानी खोजत है। तभी हमार समय नहीं मिले के कारण हम अभी यहाँ पे सिंचाई 2-3 दिन ना दे पारब इसलिए समय नहीं देने पाएंगे प्याज में। इसलिए इसको थोड़ा 2-4 दिन और इसी तरह कष्ट सहने देते हैं प्याज को। चलिए हम आगे और आपको बताते हैं। देखिए उधर जा रहे हैं, उधर दिख रहे हैं वो पहाड़ की तरफ जाते हैं। उधर मेरा सरसों लगा हुआ है, सरसों का बारी है। देखिए इस प्रकार का सरसों का बारी है तो वहाँ पर मेरा छोटा बारी है। ये तो बहुत बड़ा बारी है ना, तो मेरा छोटा बारी तो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि कैसा वहाँ पे सरसों का पौधा है। देखिए यहाँ पर भी प्याज लगाया हुआ है। देखिए प्याज कितना मस्त दिखता है। देखिए पूरा यहाँ से वहाँ तक, पूरा वहाँ से वहाँ तक पूरा प्याज ही प्याज है। चलिए अभी नदी की ओर लंबते हैं। देखिए केला का पौधा है। देखिए अभी हमको नीचे लंबना, यहाँ पे बहुत भयानक लंबाइन है इसलिए हमको यहाँ पे थोड़ा सतर्क होकर लंबना पड़ेगा। धीरे धीरे लंबना पड़ेगा नहीं तो नदी में जाके गिर जाएंगे। देखिए ये नदी है हमारा चौधरी तरी नदी, जहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस पत्थर पे हम लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, कपड़ा उपड़ा धोते हैं यहीं पर। देखिए कितना मस्त जगह है। देखिए यह हमारा चौधरी तरी का दृश्य है। देखिए इधर केला लगा हुआ, केला का पौधा लगा हुआ, उधर भी नदी की है, उधर नदी की है। देखिए अभी हम बता रहे थे, बोल रहे थे कि जा रहे हैं सरसों के बारे देखने, तो देखिए अभी हम फाइनली सरसों के बारे तरफ जा रहे हैं। देखिए दिख रहा है, वो दिख रहा है ना सरसों, वही सरसों वाला बारी मेरा है। चलिए देखते हैं सरसों कैसा है। देखिए यह मेरा सरसों है, यही है सरसों मेरा भाई। देखिए सरसों यही बारी सरसों तो मेरा फूल गया है, बाढ़ गया है। देखिए कितना मस्त लग रहा है, यही है मेरा सरसों बारी। वाओ देखिए यह है सरसों बारी, कितना अच्छा लग रहा है सरसों बारी का दृश्य। देखिए इधर भी लगा हुआ है खेती। देखिए इधर लगा हुआ भी खेती, इसको साहेब से भी बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है सब्जी खाने में। इधर देखिए पालक सब छिटा हुआ है। देखिए लहसुन, अभी देखिए ये प्राचीन काल के जो पानी भरने वाला सिंचाई करने वाला यंत्र था ना, उसके वो वाला यहाँ पर है जिसको हम बोलते हैं कुड़ी। ये देखिए ये कुड़ी, इससे लाट डांग, ये है लाट डांग के माध्यम से पहले सिंचाई करते थे। अब माध्यम हो गया है नलकूप। यहाँ पे देखिए कुआं है, यहाँ से इधर पानी भरते थे पहले। तो यहाँ पर इसी कुड़ी के माध्यम से पानी भर भर के बारी पटाते, अपना सब्जी फसल पटाते थे। अब हो गया है मोटर, डीजल की तरह तरह के तरकीब वाला यहाँ पे उपकरण निकल गए, सिंचाई करने वाला मशीन निकल गया है, इसलिए अब उससे करते हैं। अब इसको छोड़ दे, कभी कभी इसका भी प्रयोग कर लिया करते हैं,